चलिए भाई, तो पेपर डिस्कस करना आज हम लोग को। क्लास 12th का जो पेपर अपन ने करा था कल, उसको डिस्कस करेंगे। और उसको करने के पहले ही आप लोग जो है वो अपने अपने सॉल्यूशंस निकाल लीजिए। हंसिका, तुमने कर लिया पेपर? यस सर, कर लिया। चलो पूछिए, देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एन एमीटर टुगेदर विद एन अननोन रेजिस्टेंस इन सीरीज इज कनेक्टेड अक्रॉस द टू आइडेंटिकल बैटरीज ईच ऑफ 1.5 वोल्ट। When the batteries are connected in series, the galvanometer records a current of 1 ampere. When the batteries are in parallel, the current is 0.6 ampere. What is the internal resistance of each battery? देखो भाई क्या कह रहा है। एक एमीटर है, वो गैल्वेनोमीटर एमीटर बोल के कंफ्यूज कर रहा है। एक्चुअली एमीटर ही लगा है क्योंकि करंट रिकॉर्ड करने का काम एमीटर ही करता है। अननोन रेजिस्टेंस है, सीरीज में कनेक्टेड है आइडेंटिकल बैटरीज के, तो दो बैटरी हैं 1.5 वोल्ट की। 1.5 अननोन रेजिस्टेंस पता नहीं, 1.5 अननोन रेजिस्टेंस पता नहीं, दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं। 1.5 1.5, स्मॉल आर ले लिया। व्हेन बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज द गैल्वेनोमीटर रिकॉर्ड्स अ करंट, और कितने से कनेक्ट है विद एन अननोन रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये अननोन रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट है, पता नहीं कितने का रेजिस्टेंस, आर मान लो इसको। द बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज द गैल्वेनोमीटर रिकॉर्ड्स, पहली सीन में ये 1 एम्पियर करंट देता है, फर्स्ट सीन है ये, सीन नंबर 1। अब सीन नंबर 2 क्या है भाई? एंड व्हेन द बैटरी इज ऑन पैरेलल, दोनों बैटरी को पैरेलल में लगा दो, ये लो ये पहली और ये दूसरी, ये पैरेलल में बैटरी लग गई। अब इसके अक्रॉस करंट लगाई, रेजिस्टेंस लगाया और गैल्वेनोमीटर से नापा, तो पहले सीन में 1 एम्पियर करंट थी और दूसरे सीन में कितना है भाई? 0.6 एम्पियर का करंट है। आपसे कह रहा है बताइए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच बैटरी, मतलब आपको स्मॉल आर बताना है कि दोनों केसेस में स्मॉल आर कितना होगा। चलिए ये देखिए आंसर आया 1/3 ओम। जिन लोगों ने किया भाई 1 मार्क्स दे दो। सॉल्व करने का तरीका देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों बैटरी का मान लो स्मॉल आर, तो फर्स्ट केस में जो वोल्टेज लगेगा सीरीज में भाई, दोनों बैटरी ये और ये, और आर आर दोनों को जोड़ दो तो इंटरनल कितना हो गया? आर प्लस आर 2 आर। और बैटरी का टोटल वोल्टेज 1.5 और 1.5 3, तो 3 वोल्ट हो गई, 2 आर हो गई। करंट की वैल्यू कितनी आई? नेट वोल्टेज ई अपॉन नेट रेजिस्टेंस आई इक्वल टू, बाहर कितना लगा है? कैपिटल आर। ये देखो डायग्राम में बाहर कितना लगा है? कैपिटल आर। और अंदर कितना? आर प्लस आर 2 आर, तो बाहर आई ई है और आर प्लस आर, तो मतलब 3 अपॉन आर प्लस 2 आर। ये देखो करंट, करंट रख दो 1 एम्पियर, पहला क्वेश्चन बन गया R+2R=3। चलो ठीक है, अब जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम जाता है 1.5 वोल्ट, 1.5 तो E=1.5, ओके। और टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में 1/R=1/R1+1/R2, तो 1/R 1/R जो होगा R/2। अब टोटल करंट I=E/नेट रेजिस्टेंस, तो बैटरी का जो लगा है वो कितना हुआ? R/2। हाँ टोटल हो जाएंगे ना, देखो ये स्मॉल आर बाई टू है, दोनों का आर बाई टू निकला और ऊपर लगा हुआ है कितना? कैपिटल आर, तो आर प्लस आर बाई टू, ये दोनों तो सीरीज में आ जाएंगे, तो आर प्लस आर बाई टू, दोनों को सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लिया और दोनों इक्वेशन को लड़ा के आर की वैल्यू 1/3। बोलो क्या नहीं आया समझ में? बहुत कॉमन क्वेश्चन, बड़ा ईजी क्वेश्चन। बोलो आ गया समझ में कि नहीं आया? झूठ मत बोलना, बिल्कुल सही सही बताना। बताओ नहीं आया तो फिर से बताऊँ। हाँ क्या? अरे पैरेलल में दो बैटरी लगी हुई हैं भाई, पैरेलल में दो बैटरी लगी हुई हैं, तो दोनों बैटरी फर्स्ट वाले का नहीं, ये सेकंड वाले का डायग्राम है। देखो ये बैटरी ई 1.5 स्मॉल आर, ये बैटरी 1.5 स्मॉल आर, और दोनों के साथ बाहर लगा है कैपिटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, तो 1.5 और 1.5 पैरेलल में कितना जनरेट करेंगी? इसके अक्रॉस 1.5 ही जनरेट करेंगी वोल्टेज, और आर पैरेलल में, तो आर और आर का पैरेलल 1/R net = 1/R1 यानी 1/R + 1/R जुड़ करके कितना हो गया? 2/R, पलटी कर दी तो R/2, तो इस दोनों की जगह कितना लगेगा? R/2, और सीरीज में ये घल जाएगा इसके साथ, तो R+R/2। बोलो बच्चों, तो दो इक्वेशन बन जाएंगे इसको सॉल्व करके। काय को रहेंगे पैरेलल में, सीरीज में नहीं हो जाएगा, जब ये दोनों की जगह एक हो जाएगा तो रास्ता एक ही नहीं हो जाएगा, हाँ है ना? चलो क्लियर हो गया सबको ना? ठीक है आगे चलते हैं।
चलो भाई, सेकंड, द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीजेस टू, चेंज द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, चेंज द कैरियर, क्या बोला, रेजिस्टेंस बताना है किससे चेंज होता है, चेंज द कैरियर डेंसिटी, इंक्रीज द नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द कैरियर्स, इंक्रीज द रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन कैरियर्स एंड वाइब्रेटिंग एटम्स ऑफ द कंडक्टर। बताओ भाई, रेजिस्टेंस किससे बदलता है? रेजिस्टेंस ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीज कैसे होगा? ओनली इंक्रीज बोला है, इंक्रीज केवल बोलो 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 बोलो, क्या आंसर हंसिका? कोलिजन बिटवीन द कैरियर्स एंड वाइब्रेटिंग एटम्स ऑफ, डी ऑप्शन कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगर आप नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ा देंगे, इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और रेजिस्टिविटी आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो आर भी बढ़ेगा। रिलैक्सिंग टाइम भी तो कम होगा, कम होगा तभी तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ये रिलैक्सिंग टाइम ज्यादा होगा ना, कम होगा, घलेगा उसके बाद फिर रिलैक्स पे आ जाएगा, फिर भागेगा वो एनर्जी के। अब सुनो, रिलैक्सेशन टाइम कम करने को कहा उसने, कि अगर रिलैक्सेशन टाइम कम कर दिया जाए, इंक्रीज द रेट ऑफ कोलिजन, रेट ऑफ कोलिजन मतलब जो पहले दो पार्टिकल टकरा रहे थे जितने टाइम में, उतने में 20 टकराने लग गए। हाँ, मतलब जल्दी जल्दी टकराने लग गए, टाइम कम हो गया टकराने का, तो टाइम कम हो गया तो टाउ कम हो गया, समझ गया ना? तो रो का फॉर्मूला क्या होता है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, तो टाउ कम होगा तो रो बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, बस यही है। बोलो सभी बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। और किसी का विचार है किसी आंसर को लेकर के, कि सर ये क्यों नहीं होगा? देखिए, अब चेंज इन डायमेंशन, मैं मानता हूं कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, तो भैया उसने चेंज बोला है, तो बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। तो उसने चेंज का बोला है, बढ़ाने पर बढ़ेगा, घटाने पर घटेगा। आपको कह रहा वो आंसर बताओ जो केवल बढ़े, तो एक ही ऑप्शन है यहां पर जो केवल बढ़े, इंक्रीज द रेट ऑफ कोलिजन, कोलिजन का रेट बढ़ाना मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम, सीधी बात, रिलैक्सेशन टाइम कम करना, और कुछ नहीं। देखो, केवल मन में ये बताओ कि टक्कर ज्यादा होगी तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम होगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, इन द फिगर व्हेन आइडियल वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड, इन एन फिगर एंड व्हेन आइडियल वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द 400 ओम रजिस्टर, अच्छी बात है भाई, इट रीड्स द वोल्टेज 30 वोल्ट, इफ द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस 3000 ओम रजिस्टेंस इट विल रीड। ओके, मतलब क्या कह रहा भाई, सीन देखो क्या कह रहा है, व्हेन एन आइडियल वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड 4000 ओम रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस में एक आइडियल वोल्ट मीटर तुमने लगा दिया, इसके अक्रॉस में तुमने एक आइडियल वोल्ट मीटर लगा दिया है, और जिस समय आइडियल वोल्ट मीटर लगाया है ना, व्हेन एन आइडियल वोल्ट मीटर 4000 के अक्रॉस में लगाया है, उस समय ये कितना नाप रहा है आइडियल वोल्ट मीटर, देखो 4000 ओम के अक्रॉस में जो आइडियल वोल्ट मीटर है वो आपको नाप करके दे रहा है 30 वोल्ट। अब कह रहा है कि 4000 के अक्रॉस में, इफ द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस 3000 ओम, अब यहां से इसको हटा करके इसके अक्रॉस में आपको कनेक्ट कर दिया जाए, है ना, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस 3000 ओम इट विल रीड, तो ये कितना, तो देखो भैया ये 30 वोल्ट नाप रहा था, ठीक ना, और आपने इसको इसके क्रॉस लगा दिया है, ठीक है, तो बताइए ये कितना नाप करके देगा आपको। एनी गेस भाई, ई वोल्ट ऊपर बैटरी लगी हुई है, कोई गेस भाई? देखो, हाँ बोलो, कुछ कोई बोल रहा है बताओ। देखो, सीरीज कनेक्शन में है ये, यार टेंथ क्लास टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि 4000 ओम के क्रॉस 30 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो।
क्यों निशांत, तुमने ये क्वेश्चन छोड़ दिया क्या? तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? चुप बैठे हुए हो, देख के करे हो क्या? हैं तो बोलो देख के करे हैं। देखो 4000 वोल्ट के अक्रॉस 30 वोल्ट आ रहा है, मतलब 4000 वोल्ट खुद के ऊपर 30 वोल्ट खा रहा है, मतलब I इज इक्वल टू कितना हो गया? V बाई R। V मतलब कितना? 4000, सॉरी 30 वोल्ट, और R कितना है? 4000। जीरो से जीरो कैंसिल, मतलब कितनी करंट जा रही है? 3/400 एम्पियर जा रही है। भैया सीरीज में कभी करंट नहीं बदलती है, तो 3/400 इससे जाएगी, तो 3/400 इसी रास्ते से तो जाएगी, बटेगी तो नहीं। अब क्यों नहीं बटेगी? क्योंकि ये आइडियल वोल्ट मीटर है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इन्फाइनाइट, कभी कुछ नहीं लेता वो सर्किट से। तो जितनी करंट यहाँ से जा रही हो उतनी करंट यहाँ से जाएगी। वोल्ट मीटर का काम है वोल्टेज नापना, ना कि करंट लेना। तो अब यहाँ से 3/3, तो यहाँ से करंट तो नहीं ही जाएगी जितनी इससे जा रही है। तो आओ निकालते हैं इसका वोल्टेज। तो V इक्वल टू I इंटू R, तो I कितनी जा रही है? 3/400 इंटू I हो गया R इंटू 3000। दो जीरो गए, ऊपर बचा 90 और नीचे बटा 4। 90 में 4 का डिवाइड कर दो भाई, 22.5, क्योंकि 22.5 का डबल 45 होता है, 45 का डबल 90 होता है, तो आंसर 22.5 वोल्ट ये आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही, 22.5 वोल्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ फिर एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो फिर से। एक बार फिर से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ क्या बोले बेटा? V बाय R क्यों लगाया? करंट निकालने के लिए, ओम्स लॉ। V इक्वल टू आ रही तो I इक्वल टू V आ गया। क्वेश्चन फिर से देखिए जी बच्चों, क्वेश्चन फिर से देखिए बच्चों, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ भैया। ये कहा गया इस क्वेश्चन में कि ये सर्किट आपके पास बना हुआ है, ये बैटरी ऊपर नहीं दी गई है। इन लोगों ने क्या करा, ऊपर वाली बैटरी नहीं दी है। इन लोगों ने कहा है कि 400 ओम के क्रॉस आप वोल्ट मीटर लगा रहे हो, और ये वोल्ट मीटर नाप करके आपको कितना दे रहा है? 30 वोल्ट। बस ये वोल्ट मीटर नाप के, वोल्ट मीटर क्या नापता है कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है? 30 वोल्ट है इसके क्रॉस वोल्टेज। तो जब वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो करंट तो पता चल जाएगी बच्चों। तो करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू वी बाई आर, क्यों? ओम्स लॉ, V इक्वल टू आर आई, तो I इक्वल टू वी बाई आर। वोल्टेज कितना आया? 30। रेजिस्टेंस कितना है? 4000। जीरो से जीरो कैंसिल। बोलो करंट कितने एम्पियर हो गई? 3/400 एम्पियर। अब भैया सीरीज का रास्ता है, सीरीज के रास्ते में कभी दो करंट नहीं होती है, एक ही करंट होती है, वही जाती है, वोल्टेज अलग अलग होता है। तो इसके ऊपर वोल्टेज निकालना है, तो अपन का फॉर्मूला क्या था? V इक्वल टू I इंटू R। करेंट कितनी है? 3/400। बस रेजिस्टेंस बदल गया, कितना हो गया रेजिस्टेंस? 3000। डक 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 कैंसिल, कितना हो गया बेटा? 90/4। चलो कट दो, 2 से 90 कितने गया? 45 बार। 2 से 90 कितने गया? 2 बार। 45 का हाफ 45/2 कितना होता है? 22.5। बोलो आया समझ में? अब नहीं आया? यस सर आ गया। चलो यश जय। यस सर आ गया समझ में? यस सर। ठीक है अगला क्वेश्चन। द वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस 4 ओम एंड लेंथ 1 मीटर। इट इज कनेक्टेड विद एन ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर पूछा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वायर कितना होगा? द वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस 4 ओम एंड लेंथ 1 मीटर, मतलब 1 मीटर का वायर है, ये पोटेंशियोमीटर है और पोटेंशियोमीटर में 1 मीटर का वायर है, ठीक है। 2 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर कितना होगा? ठीक है भाई देख लो, एक सेल है आपके पास जिसका वोल्टेज है 2 वोल्ट, और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है कितने 1 ओम दे रखा है, 1 ओम दे रखा है। द वायर ऑफ अ पोटेंशियोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस 4 ओम एंड लेंथ 1 मीटर। इसके अक्रॉस तुमने इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 1 मीटर का तार जमा रखा है, बड़ी अच्छी बात है भाई।
एक मीटर का तार आपने इसके क्रॉस में जमा रखा है, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है और दे रखा है क्या कि इस एक मीटर के तार का जो रेजिस्टेंस है चार ओम है। सर जो आपने ऊपर कर दिया है तो हाँ, तार में नहीं आएगा एक मीटर के वायर के साथ? नहीं नहीं आएगा ना तार, ये पोटेंशियोमीटर वायर तो नीचे लगा होता है ना, उसमें टाइट रहता है दो एंड से, ठीक है ना। तो वन मीटर का वायर है और इसका रेजिस्टेंस भाई साहब चार ओम है। अब आपसे पूछा जा रहा है द पोटेंशियोमीटर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, इस तार के अक्रॉस टोटल कितना वोल्टेज गिरेगा? बोलो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया सब लोग को? भाई ये आपके पास पोटेंशियोमीटर जानते हो कैसा होता है? ये वायर होता है नीचे एक मीटर का टाइट होता है, कुछ मीटर का वायर होता है, ऊपर एक बैटरी लगी होती है और वो बैटरी का कनेक्शन इससे हुआ करता है, ठीक है ना। और नीचे अपन कंप्रेशन की सेल वेल लगाते हैं, बट यहाँ कोई कंप्रेशन के लिए सेल वेल दिया नहीं है। अपन को कह रहा है कि ये बताओ इसके ऊपर कितना वोल्टेज खर्च होगा। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। भाई अपन को ये बताना है कि इसके ऊपर कितना वोल्टेज खर्च होगा। चलिए करंट निकाल लीजिए, आई इक्वल टू वी बाई टोटल रेजिस्टेंस आर। एक तो ये बैठा है और एक ये बैठा है, चार ओम एक पाँच ओम। बोलो, ऊपर का एक ओम और नीचे इस पूरी तार का कितने ओम? चार ओम। टोटल कितना हो गया? पाँच ओम। चलो वोल्टेज लगाओ, कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है? दो वोल्ट की। दो बटे पाँच मतलब पाँचों के बीस, 0.4 एम्पियर करंट जा रही है। बोलो हाँ, मतलब ये जो सेल करंट फेंकेगा वो कितना फेंकेगा? 0.4। बोलो बच्चों यस कि नो, बाकी बच्चे बोले यस सर। ओके, अब 0.4 की करंट जब इस पूरे से निकलेगी तो इसके ऊपर कितना वोल्टेज खिलाएगी, इसको ये बताना अपन को। फॉर्मूला V इक्वल टू I इंटू R। करंट कितनी? 0.4। हाँ, और ये जो रेजिस्टेंस कितना है इसका? 40 नहीं, ये 4 ओम लिखा है वो। ओके, इंटू 4, 4 चौके 16, 1.6 वोल्ट। मतलब 2 वोल्ट था, 1.6 ये खा लिया और 0.4 इसका खुद का खाएगा। हमें ये समझ नहीं आया कि वो 1 ओम का ऊपर का लगाया सर, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है एक ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के साथ। अच्छा, बैटरी के साथ में लगता है, बैटरी के साथ में लगता है ना अंदरूनी रेजिस्टेंस। तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा रहे अभी तक, गारंटी से सकता हूँ तुमको इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता मतलब चैप्टर नहीं पढ़ा है। चलो क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। हाँ भाई आर्यन, यस अलग से हर बार बोलना पड़ता है। जय। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आर्यन। ठीक है, जय यस। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ रूल, बताओ भैया कौन सा सही है? सर, द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इज पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप मस्ट बी जीरो। द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस ऑफ पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप मस्ट बी जीरो। चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड, और ऊपर वाला है द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस ऑफ पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप मस्ट बी जीरो। यार ऊपर और नीचे वाले में फ़र्क क्या है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल, द एल्जेब्रिक सम पॉजिटिव है कहाँ? फर्स्ट और सेकंड की बात हो रही है सर, उसमें एब्सोल्यूट। वेरी गुड, वेरी गुड। एब्सोल्यूट नहीं होगा, एल्जेब्रिक होगा। एब्सोल्यूट मतलब सब पॉजिटिव ले लोगे तो कैसे हो जाएगा? जीरो होएगा ही नहीं, तो करेक्ट आंसर इसका बी होना चाहिए। चलो बिल्कुल सही बच्चों, हाँ बिल्कुल, प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, तो किरचॉफ लॉ में एलजेब्रिक होता है। प्लॉट अ ग्राफ स्विंग वेरिएशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज वेरिएशन बिटवीन गैलियम आर्सेनाइड। यार रट्टा क्वेश्चन है, गैलियम आर्सेनाइड का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, ये ऐसे बनता है। तो पहले ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, फिर इसका रेजिस्टेंस कम होता है वोल्टेज बढ़ाने पर, फिर बढ़ता है। तो यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक ये घटता है, इस रीजन को बोलते हैं बेटा नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। और अगर संडे को मैंने सुबह काम दिया था आप लोग को, आप लोगों ने काम नहीं करा, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। हाँ नहीं करे ना, नहीं करते हो आप लोग, अलग से होमवर्क देता हूँ फिर भी नहीं करके भेजते हो। ये देखो जी नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है, शुरुआत वाला यहाँ से यहाँ तक ओम्स लॉ फॉलो होता है, जहाँ तक बच्चों ओम्स लॉ फॉलो होता है उसको बोलते हैं ओमिक रीजन, या उसी को बोलते हैं लीनियर रीजन। यहाँ पे वोल्टेज और करंट गाना गाते हैं, हम साथ साथ हैं। इसके बाद नॉन लीनियर शुरू हो जाता है, समझ गया ना? इसके बाद नॉन लीनियर शुरू हो जाता है, उसके बाद
ये हो जाता है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीज़न। तो ये एक स्पेशल कर्व है जो आप लोग को याद करके जाना है। और ये मटेरियल है, ये एलॉय है गैलियम आर्सेनाइड, बस यही रट के जाना है। फैशन क्या मतलब? लीनियर फैशन, यहाँ तक लीनियर है, यहाँ तक नॉन लीनियर है, इसके बाद नेगेटिव रेजिस्टेंस रीज़न। गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल होता उसका है, नहीं कुछ नाम नहीं है, तो मिक्स है ये, तो स्ट्रेट लाइन उसके बाद फिर पैराबोला, कोई नाम नहीं है। तो इसका मतलब पहले ये समझ में आ रहा है कि पहले आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट इंक्रीज होगी, उसके बाद वोल्टेज बढ़ाने पे करंट डिक्रीज हो रही है। ओम्स लॉ में क्या होता है, अगर तुम वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगी, मगर ये अद्भुत कार्यक्रम आपको देखने को मिल रहा है कि वोल्टेज आप बढ़ाए जा रहे हैं और करंट गिर रही है, करंट घट रही है। चलो समझ में आया बच्चों? Yes, हाँ, तो ये क्वेश्चन yes, जो है कल मैंने सुबह जो मटेरियल डाला था yes, उसमें दिया था, वो सारे बोर्ड के क्वेश्चन थे। कर लिया करो भाई होमवर्क, मेरी होमवर्क देने की इच्छा खत्म हो जा रही है, आप लोग करते नहीं हो एक भी। आईवी ग्राफ फ्रॉम द मटेरिक वायर टू टेम्परेचर T1 T2 विच ऑफ द टेम्परेचर इज लोअर एंड वाई। आहा, क्या क्वेश्चन है भाई ये तो। भाई आईवी ग्राफ दिया गया है, अब आपको बताना है कि कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है, कौन सा टेम्परेचर कम है। अब एक चीज़ देखो भाई बच्चों, कैसे करोगे इसको, V इक्वल्स टू क्या होता है, आर आई, V इक्वल्स टू आई आर। तो भैया R इक्वल टू कितना, V अपॉन आई, V बाई आई। अब देखो उल्टा हो गया है, ये V बाई आई में अगर हम देखते, ये V बाई आई होता, अगर ये ग्राफ होता V बाई आई का, मतलब V होता वाई एक्सेस में और I होता एक्स एक्सेस में, तो V और I का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, V अपॉन I, ये जो एंगल मिलता ये हमको क्या देता, रेजिस्टेंस। ये जो एंगल होता ये हमें क्या देता, रेजिस्टेंस। मतलब V I ग्राफ का स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस, क्योंकि R इक्वल टू वी अपॉन आई है ना। तो R, R क्या होता है, टेन थीटा, यानी टेन थीटा इक्वल टू R। थोड़ी सी मैथ्स तो आनी चाहिए यहाँ पे, क्यों लो भैया देख लो, बता देता हूँ। देखो बच्चों यहाँ तक V है और यहाँ तक I है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, जब ये V है तो ये भी क्या होगा, V, और जब ये I है तो ये I एक्सेस में कहीं ना कहीं I होगा, तो टेन थीटा इक्वल टू वी अपॉन आई, और वी अपॉन आई क्या होता है, आर, मतलब टेन थीटा रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो जिसका टेन थीटा ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वी आई में। अब देखो भाई ये देखिए वी आई ग्राफ है, ध्यान देना, बंद मोबाइल बंद कर, कुछ नहीं बिल्कुल नहीं उठाना। वी आई ग्राफ में देखिए जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका एंगल ज़्यादा होगा। तो देखो भैया अगर दो सिचुएशन ले रहा हूँ मैं, T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर, ऊपर वाले का एंगल ज़्यादा है मतलब ऊपर वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा है और नीचे वाले का रेजिस्टेंस कम है, मतलब R1 ज़्यादा और R2 कम, R1 ग्रेटर देन R2। R1, अब आप सबको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ज़्यादा, मतलब T1 ज़्यादा और T1 इज़ ग्रेटर देन T2। बट सब उल्टा कर दो, क्यों उल्टा कर दो, क्योंकि जो मैंने ग्राफ बनाया है वो है V बाई आई का है और आपका जो ग्राफ है वो है I बाई V का है, तो सब उल्टा कर दो। तो उल्टा करोगे मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 बड़ा और T1 छोटा। यस, तो कह रहा बताओ कौन सा बड़ा होगा, तो यहाँ पे T2 बड़ा होगा और T1 छोटा होगा, तो T2 ग्रेटर देन T1। तो लो भैया आंसर लिख लो, T2 ग्रेटर देन T1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। भाई ये क्वेश्चन मैं कहूँगा जेई मेंस लाइक क्वेश्चन है, जेई मेंस और नीट। हाँ बिल्कुल, अरे यार अच्छी थिंकिंग लगी है, बहुत शानदार वाली थिंकिंग लगी है। क्या क्या रिलेट नहीं करना पड़ रहा है, नंबर 1 स्लोप चाहिए, नंबर 1 स्लोप चाहिए, ओम्स लॉ आना चाहिए, ओम्स लॉ का उल्टा करना बनना चाहिए, एक्सेस की जानकारी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए, टेन थीटा पता होना चाहिए, उसके बाद टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप पता होना चाहिए, फिर ग्राफ को एडजस्ट करके आंसर आएगा। सर तो टेन थीटा ही क्यों लिया सर, क्यों वाई अपॉन एक्स में क्या आएगा, टेन थीटा ही तो बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोई बनेगा ही नहीं।
और कोई बनेगा ही नॉर्मल कंडीशन में, टेन थीटा ही बनेगा। चलिए बोलो क्लियर हो गया। टेन का नेगेटिव क्या लोगे? नहीं मतलब इसका अपोजिट कॉट, तो इसमें भी अपोजिट हो जाएगा। हम लोग जितनी ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं हम लोग टेन के आदि हो चुके हैं स्लोप के फॉर्मूले में। जैसे हम लोगों ने लास्ट ईयर 11th क्लास में पढ़ा था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हम लोग बोलते थे कि ये एक्सेस डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्सेस टाइम है, तो वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम का आपका जो स्लोप होता था वो वेलोसिटी देता था। और हम लोगों ने पढ़ा था वी इज इक्वल टाइम का एक्सेलरेशन होता था। हाँ, तो वी इज इक्वल टू टेन थीटा। तो वहाँ से ये लॉजिक लग गया। अब आज बदल के आ गया, यहाँ पर आ गया है वी और यहाँ पर आ गया है आई, तो वी अपॉन आई इज इक्वल टू क्या, टेन थीटा, और टेन थीटा आर के इक्वल होता है। तो जिसका थीटा बड़ा उसका आर बड़ा, तो दो रेजिस्टेंस यदि मैंने यहाँ पे आर वन और आर टू ले लिए हैं तो आर टू का थीटा बड़ा है और आर वन का थीटा छोटा है, तो आर टू ग्रेटर देन आर वन। अब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो टी टू ग्रेटर देन टी वन। बट एक्सेस उल्टा कर दोगे तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। हाँ भाई समझ में आया सभी को? हेलो यस सर। चलो यस सर। चलो भैया अगला क्वेश्चन। ऐसे शांत बैठे हो यार, रिप्लाई नहीं तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या? हाँ, टू कंडक्टिंग वायर्स एक्स एंड वाई ऑफ द सेम डायमीटर बट डिफरेंट मटेरियल आर जॉइंट सीरीज अक्रॉस अ बैटरी। इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स इज ट्वाइस द नंबर डेंसिटी ऑफ वाई, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू वायर। ओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पूछ लिया है दो वायर का। दो कंडक्टिंग वायर हैं, सेम डायमीटर हैं, सेम डायमीटर मतलब आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू आर। ओके, हमसे क्या बोला है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा गया है। सीरीज में है, लो भाई आई इक्वल्स टू क्या रटाया है मैंने, एन ई ए वी डी। आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी किसका रेशियो पूछ रहा है हमसे? रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब वी डी को कोने में ले जाओ, वी डी इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए, एन ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ए फॉर एरिया। चलो दोनों वायर हैं, एक वायर एक्स है, दूसरा वायर वाई है, दोनों वायर हैं, सेम डायमीटर के हैं, डिफरेंट मटेरियल के हैं, किस में ज्वाइन कर दिए गए हैं? सीरीज में। लो खेल ख़त्म। सीरीज में मेरी तेरी दोनों की करंट आई होती है, समझ गए ना? दोनों की करंट सेम हो गई, मतलब इसका ये हट गया पंगे से, है ना? ये आप ऐसा चाहो तो भी ये हट गया पंगे से, सीधी बात। चलो दोनों में नंबर डेंसिटी देखो, इलेक्ट्रॉन दोनों में फ्लो होंगे, दोनों के लिए सेम है। अच्छा क्या कह दिया साथ ही साथ में? साथ ही साथ में कह दिया सेम डायमीटर, डायमीटर सेम मतलब रेडियस सेम, रेडियस सेम मतलब एरिया सेम, मतलब पूरी की पूरी पंचायत किसके ऊपर आ गई? नंबर डेंसिटी के ऊपर। मतलब वी डी प्रपोर्शनल टू इनवर्सली प्रपोर्शनल टू एन, वी डी इनवर्सली प्रपोर्शनल टू एन। चलो मतलब वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एक्स क्या पूछा है? डायमीटर सेम होने के कारण खत्म हो गया ना, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। जो चीज़ सेम है वो वेरी थोड़ा ना करेंगी। अब रेशियो लगा दो, ई तो रहेगा ना, ई फॉर इलेक्ट्रॉन है ना, एन ई नहीं है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन चार दोनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो होंगे। चलो तो वी डी एक्स अपॉन वी डी वाई इनवर्सरी रिलेशनशिप है एन के साथ, तो एक्स एन का नीचे चला जाएगा और एन वाई का ऊपर आ जाएगा क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। देखो ना समझ में आया तो पूछ लेना। तो वी डी एक्स अपॉन वी डी वाई इक्वल टू एन एक्स अपॉन एन वाई। देखो ये क्या कह रहा है, नंबर डेंसिटी ऑफ एक्स इज ट्वाइस दैट ऑफ वाई। ओके, मतलब एन एक्स जो है टू टाइम्स है किसका, एन वाई का। और हमको क्या चाहिए, एन वाई अपॉन एन एक्स, एन वाई अपॉन एन एक्स, टू पल्टी मार के नीचे आएगा, आंसर आ गया भैया 1/2। चेक करूँ, बिल्कुल सही 0.5। बोलो समझ में नहीं आया क्या? आ गया? यस सर आ गया। पक्का फिर से करवाएं क्या सर? एक बार कर दो। वेरी गुड बेटा, चलो फिर से करते हैं। देखो इस बार और सरल तरीके से बेटा, I इक्वल्स टू क्या होता है n, ये e छोटा लिखता हूँ तो कंफ्यूज हो जाता हूँ, n फॉर नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E फॉर इलेक्ट्रॉन, A फॉर एरिया, VD फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना? अब कह रहा है कि दो वायर हैं, पहला वायर X है, दूसरा वायर Y है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, और आप एक काम करो बेटा VD की वैल्यू देख लो, VD इक्वल टू कितना हो गया, I अपॉन एन ई ए हो गया।
अब बोले दोनों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालो, तो पहला वाला वायर है एक्स और दूसरा वायर वायर है वाई, तो वेलोसिटी इन एक्स वी डी एक्स और वी डी वाई इक्वल टू, एक मिनट अब दो, वी डी एक्स वी डी आई, ऊपर वाले में देखो ऊपर वाला रिलेशन रख दो पहले एक्स के लिए सब कुछ, तो आई अपॉन एन ई ए, एक्स का आई एक्स का एन एक्स का ई एक्स का ए, आई वाई अपॉन एन ई ए, ये वाई का ये भी वाई का ये भी वाई का, बोलो हाँ। सीरीज में दोनों की करंट एक्स और वाई की अलग अलग होंगी कि सेम होंगी? सेम, तो कट गए। दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम वाले होंगे कि अलग अलग? अच्छा सेम, ई से ई भी कट गए, समझ गए, क्योंकि पहले ही कह रखा कि दोनों के डायमीटर इक्वल है, डायमीटर मतलब एक्स का डायमीटर बराबर वाई का डायमीटर, और अपन ने पढ़ा आंगनबाड़ी में कि डायमीटर इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ रेडियस, टू आर एक्स इक्वल टू टू आर वाई, तो टू से टू कैंसिल, रेडियस भी इक्वल हो गई, और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो जब रेडियस इक्वल है तो एरिया भी इक्वल होगा, पाई आर एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई आर वाई स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ एक्स इक्वल टू एरिया ऑफ वाई, क्या आ गया एन वाई सबसे नीचे था पलटी मार के सबसे ऊपर और एन एक्स नीचे आ गया। अब क्वेश्चन ने कह रखा है कि एन एक्स जो है वो टू टाइम्स ऑफ एन वाई है, समझ गए ना, तो जहाँ एन एक्स है वहाँ टू एन वाई धर दो, तो ऊपर एन वाई और यहाँ टू एन वाई, एन वाई से एन वाई कैंसिल, आंसर कितना 1:2, ये ले लो भाई एकदम बच्चों वाली मेथड, समझ गए ना। अब इसमें हमने क्या कर दिया था, हमने कह दिया था ये भी नहीं बदल रहा ये भी नहीं बदल रहा ये भी नहीं बदल रहा, बस यही बदल रहा है, तो हमने डायरेक्टली रेशो रूल लगा दिया। बोलो बच्चों अब समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चले आगे, 0.5, चलिए भाई हंसिका क्लियर हो गया पिछला वाला? यस सर। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, द नम काय को करना है जो? नहीं पूछा ही नहीं है, जो पूछेगा वो आंसर लगाओगे, एक्स रेशो वाई बोला उसने। द नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर इतनी है, हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड थ्री मीटर लॉन्ग फ्रॉम द अदर एंड? हाँ क्या बताना है? आप एक्स वाई वाई बोल रहे हो पुरानी वाली स्लाइड। क्वेश्चन देखो, देन द फाइंड द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द इलेक्ट्रॉन इन द टू वायर, पहला वायर क्या दिया है दूसरा, तो हमको रेशियो क्या चाहना पड़ेगा, एक्स रेशियो वाई। क्वेश्चन देखिए बच्चों, द नंबर डेंसिटी ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर इक्वल टू इतना, चलो भाई एन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8.5 इंटू 10^28 मीटर क्यूबिक पर मीटर क्यूबिक, अच्छी बात है। लॉन्ग डस कह रहा कितना टाइम लगेगा, ओहो टी पूछ रहा हमसे, टी पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू थ्री मीटर लॉन्ग, टी पूछा गया, टी में क्वेश्चन मार्क, लेंथ दी गई है कितनी 3 मीटर, ओके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया गया है, बधाई हो भाई एरिया दे दिया 2.0 × 10^-6 मीटर स्क्वायर एरिया दिया गया, करंट दे दी गई है आई एम्पियर, आहा लड्डू एकदम क्वेश्चन है। देखो भैया ड्रिफ्ट करंट इक्वल टू आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, अब वी डी को जानबूझ करके लिखो लेंथ अपॉन टाइम, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम, टाइम बस पूछा टाइम को ऊपर जान दो बाकी सबको नीचे आन दो, तो टाइम इक्वल टू एन हाजिर है ई हाजिर है ए हाजिर है एल पता है और आई नीचे आ गया, चलो एन की वैल्यू पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है एरिया गिवन है लेंथ कितनी दी गई है 3 मीटर ये भी पता है आई की वैल्यू गिवन है कितने एम्पियर एम्पियर दिए ना हाँ 3 एम्पियर ये 3 एम्पियर नीचे लिखा है वैल्यू रख दो बच्चों ये देखो सारा वैल्यू रख दी वी डी इक्वल टू सॉल्व कर दो इस तरीके से कर लोगे यस सर एन पता है ई पता है ए पता चलो नोट yes, करो sir. नोट कर लो इसको ये ऐसे नहीं सॉल्व किया हालांकि मैं पेपर दे दूंगा अभी पूरा सॉल्व करके आप लोग को इस तरीके से दिक्कत नहीं होगी आप लोग को चलो ठीक है मैं भेज दूंगा अभी अभी फिर से करवाऊंगा एक पेपर स्टेट रीजन वाई गैलियम आर्सेनाइड इज मोस्ट कॉमनली सोलर सेल ओके एक ही रीजन होगा गैलियम आर्सेनाइड का उसमें निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है पहले ओमिक कंडक्टर होता है फिर उसके बाद भड़ाक से गिरता है तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन आता है मतलब वोल्टेज कम होने के साथ करंट इसमें सॉरी वोल्टेज इसमें बढ़ेगा तो करंट घटेगी तो इस वजह से इसका रीजन होगा देखो रीजन इसमें क्या लिखा है गैलियम आर्सेनाइड इज मोस्ट कॉमनली यूज इन मेकिंग सोलर सेल बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स रिलेटिवली मोर एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन बिकॉज
ऑफ रिलेटिवली हायर एब्जॉर्प्शन कोफिशियंट। हाँ ये यहाँ पे टर्म आप याद रखिए, हायर एब्जॉर्प्शन कोफिशियंट। अब आप बोलोगे सर देखो बेटा सब कुछ बता पाना फिजिक्स में पॉसिबल नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये नहीं पढ़ा है, मानता हूँ मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है ये चीज़, ठीक है ना, बट सब कुछ पढ़ा, कुछ आपको भी पढ़ना पड़ेगा, बुक आपको पलटनी पड़ेगी। मतलब आप 100 में से 100 नहीं ला सकते हैं केवल पढ़ाई करके मेरे थ्रू, उसमें थोड़ी सी क्या चीज़ सेमीकंडक्टर्स भी दो प्रकार के होते हैं ना, अभी अभी आएंगे, वो पूरा चैप्टर है, वो इसमें नहीं है। तो गैलियम आर्सेनाइड जो है बच्चों, अब इसमें ये जो लाइन है ये एनसीईआरटी की लाइन है कि भैया इसका यूज़ सोलर सेल के फॉर्म में क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशियंट ज़्यादा होता है। एब्जॉर्प्शन कोफिशियंट का मतलब समझो, मस्त धूप चमक रही है और तुमने यहाँ पर एक साउथ इंडियन बिल्कुल कल्लू रंगा को बिठाल दिया है और यहाँ पर एकदम बढ़िया कोई गोरा चिट्टा इंसान, ये बताओ दोनों में से गर्मी कौन सोखेगा जबरदस्त वाली, ये वाला भाई साहब, ये वाले, क्योंकि इनका ब्लैक है कलर, तो इनका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है और इनका एब्जॉर्प्शन कम है, तो ये जो है ये कम एनर्जी लेंगे और ये कम। बिल्कुल गैलियम आर्सेनाइड यही है कि गैलियम आर्सेनाइड जो होता है सोलर पैनल के ऊपर इसकी लेयर बनाई जाती है, जब सन से रेडिएशन आता है तो गैलियम आर्सेनाइड जो है ज़बरदस्त एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए ये रीज़न लर्निंग फैक्ट है। तो अगर आपकी इच्छा है कि 100 में से 100 आपके आएँ तो थोड़ा सा एनसीईआरटी करें आप लोग, थोड़ा सा मैंने जो आपको हैंड रिटन नोट्स बना के दिए हैं है ना, करेंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जिसका पासवर्ड है CATCAT, वो भी करिए। चलिए आज भी मैंने एक फ़ाइल भेजी है बच्चों हैंड रिटन है ना EMI की, उस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, उसका पासवर्ड लिख लो EGG, एग फॉर अंडा, जो आज मैंने फ़ाइल भेजी है डाउनलोड कर लो, EMI की हैंड रिटन फाइल है, उसका पासवर्ड एग है, कर लेना भाई अच्छे से। इलेक्ट्रो कैट उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये है, ये है जी हाँ। चलो आगे देखिए जी, हाँ देखिए आप करते हैं अपन अगला क्वेश्चन, देखिए सभी लोग पॉइंट नंबर 11 पे आ जाओ। फॉर द सर्किट डायग्राम व्हीट स्टोन पे शोन इन फिगर यूज किरचॉफ लॉ, भाई बता चुका हूँ दोनों का, R1/R4 = R2/R3, इसमें कुछ भी नहीं था, और ये जिससे क्वेश्चन नहीं बना है भाई दावे से उस बंदे ने बिल्कुल भी करंट इलेक्ट्रिसिटी तैयार नहीं करी, अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना है तो। किरचॉफ लॉ लगता है, यहाँ से करंट I होती है, इधर I1 जाती है, इधर I-I1 जाती है, इधर IG जाती है, और इसमें एक बार लगाना पड़ता है, इसमें एक बार लगाना पड़ता है, दोनों को डिवाइड करना पड़ता है, IG = 0 करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को डिवाइड करना पड़ता है, और फाइनली रिलेशन आता है, इसमें क्या आएगा R1/R4 = R2/R3, आमने सामने वाले भी कर सकते हो क्योंकि ये नीचे आ जाएगा तो ये ऊपर चला है, यानी R1/R2 = R4/R3, तो इसका सॉल्यूशन भाई मैंने करवा रखा है, बताने लायक है नहीं मेरे ये, ये देख लो ये आ गया इसका रिलेशन, तो इसमें कुछ है नहीं मेरे बताने जैसा। अगला क्वेश्चन है, 3 रजिस्टर्स 2 ओम 5 ओम 4 ओम 5 ओम इसका माइंड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कंबिशन, भाई ये जिससे नहीं बना वो हिमालय में तपस्या करने चला जाए, कोई दिक्कत नहीं मोह माया पढ़ने की। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ 20 वोल्ट एंड नेगलेजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द करंट ऑफ द ईच रजिस्टर, भाई 10th क्लास का क्वेश्चन है, कुछ भी बताने लायक नहीं है, इंटरनल नेगलेजिबल है, पूरा नहीं, बैटरी के साथ वाला नेगलेजिबल है। अब इसके बाद 2, 4 और 5 पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो आपको पता होगा कि पैरेलल में करंट बढ़ती है, तो आपको इसमें करंट निकालनी है I1, इसकी I2 और इसकी I3, तो वेरी सिंपल, तीनों जो कनेक्ट हैं कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, 20 वोल्ट से, सो I1 = V/R, V/R, तो पहला वोल्टेज कितना लगेगा 20, रेजिस्टेंस कितना जाएगा पहले का 2 ओम, तो 20/10 आंसर कितना पहले वाले में जाएगी 10 एम्पियर। दूसरा 4 ओम, तो 20/4 तो कितना 5 एम्पियर, और तीसरा 20/5 एम्पियर, 4 क्यों जोड़ क्यों रहे हो, टोटल करंट सही है, जोड़ दो 4 19, तो टोटल हो गई 19 एम्पियर करंट इसमें से जाएगी,
भाई रेजिस्टेंस निकाल लिया टोटल का। बिल्कुल सही, टोटल 19 एम्पियर। ये क्वेश्चन जिसने जिसने छोड़ा है वो तो भाई हिमालय जाने की तैयारी करें बेहतरीन एकदम, ठीक है। आराम से घर वालों को बता दें किसी दिन ठंडे दिमाग से कि अब हम जाएंगे हिमालय, तपस्या तपस्या करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन इन फिगर सो दैट द करंट 0.2 एम्पियर। चुप करो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट शोन। भाई रेजिस्टेंस आर की वैल्यू निकालनी है इन द सर्किट शोन, है ना, और शो दैट द करंट इन द सर्किट इज 2 एम्पियर। बता रहे हैं बेटा, बता रहे हैं। वॉट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए एंड बी। देखो देखो देखो, ए पॉइंट कहाँ है, ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। चलो कोई कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन ईजी है, बस आपको बहकाने की कोशिश की गई है, परेशान करने की कोशिश की गई है। चलो चलो देखो भाई, ये 5 और ये 5 सीरीज में है, तो 5 और 5 सीरीज में लड़के कितने बन गए, 10, और ये 10 और ये 30 कायम है पैरेलल में, तो 10/30 हो जाएगा। काय को हो जाएगा 10/30, फार्मूला होता है ना, 1/10 + 1/30। सुनो जी, ये 10 है, ये 30 है और साथ में ये 15, ये तीनों पैरेलल में है। देखो ऊपर वाला ये 10, बच्चों समझ में आ रहा है, हाँ या ना? हेलो, यस सर। हंसिका, जय, यशराज, बोलते जाओ बीच में, यस तो बोलो यार। ये 5, ये 5 और 5 10 और ये 30 और ये 15, तीनों पैरेलल में है ना, 10 30 15 है कि नहीं है, बोलो। है सर। जय क्लास में हो? तो ये 10 और ये 30 और ये 15 पैरेलल में है। क्यों है पैरेलल में, देखो एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है, ए और बी के अक्रॉस 5 15 का सा है, ए और बी के अक्रॉस, अरे डी डी ये तो जुड़ गया ना, तो ये पॉइंट भी बी हो गया और बी और डी के अक्रॉस। अब देखो उल्लू बना रहा है, ए पॉइंट और डी पॉइंट सेम ही तो है, दोनों तार मिक्स कर दो, ज्वाइंट कर दो, तो ए और डी पॉइंट सेम है, तो मतलब 10 और 30 और 15 सेम है, तो निकालो। क्यों नहीं भाई, देखो ये 10, ये वाला 5 और 5 कितना हुआ 10। ये बता दो आप, ये दोनों सीरीज में क्यों, ये पैरेलल में क्यों नहीं है? पानी डालो यहाँ से, 5 से पानी डालो, कहाँ जाएगा पानी, नीचे जाएगा, हाँ। कहीं और जाएगा नहीं, तो बस एक ही रास्ता, मतलब सीरीज ये पैरेलल में क्यों है, इधर से पानी सीधा जाएगा उधर नहीं जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं है। सुनो ये पॉइंट बी है, चुप करके सुनो, यहाँ देखो ये पॉइंट बी है, इधर से 15 गया हुआ है, बोलो हाँ, इधर से ये पॉइंट है, इधर से 30 गया हुआ है, बोलो यस। इधर से 5 और 5 आपको मूर्ख बनाने के लिए बेवजह जोड़ दिया, वो तो है तो 10 ही ना, बोलो 10 है, क्लियर। अच्छा ये तीनों पॉइंट कॉमन होकर के डी से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, ए डी, ये जो ए पॉइंट दिख रहा वही तो डी पॉइंट है, बेवजह दो पॉइंट बना दिए इन लोगों ने। सी और डी है ना, सी हट गया ना, अब सी की बात ही नहीं करो, सी तो हट गया, 5 और 5 10 हो गए, अब तो सी हट गया, तो ए और डी ए की पॉइंट कॉमन है, तो ये मतलब कुल मिलाकर के तीनों एक ही पॉइंट से जुड़े हैं, ये देखो हो गए। फिर से सुनो भाई, ये ए और डी के बीच बता रहे हैं, देखो बी से लेके ए के बीच में एक रेजिस्टेंस कसा हुआ है 15 का, 15 ओम का, फिर बी से लेकर के 5 और 5 10 के कसे हैं डी के बीच में, तो 5 और 5 यहाँ से 10 का लगा हुआ है, बी है ये और ये पॉइंट क्या है, ए है। अब आप कहोगे सर ये डी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, यार ए पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, जब रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका जितना वोल्टेज होगा उतना ही तो होगा, क्योंकि वोल्टेज कौन खाता है, रेजिस्टेंस। तो जब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में एक ऐसा पाथ है, शॉर्ट पाथ है, ये शॉर्ट फूल डले हुए हैं, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा, सेम, मतलब जो ए है वो डी है और जो डी है वो ए है, तो यहाँ से घूमते हुए 5 और 5 10 लगा दो, ये देखो
ये देखो लग गया 10। अब यहां से घूमते हुए बी से लेकर के डी, और डी ही तो ए है, इस तार को पकड़ के खींच दो, चिपका दो यहां, तो बी से लेके ए के बीच में फिर से क्या लगा हुआ है 30। बोलो बच्चों, बिल्कुल सेम है ना, वो तो कर ही सकते हैं। तो तार तुम 10 मीटर लंबी खींच दो, उससे क्या है बच्चों, आप समझ में आया सभी को कि नहीं आया, बोलो। 45 हो जाएगा। यस सर। यस सर। 45 हो जाएगा मूर्खराज। 1/15, 1/30 और 1/10। हाँ तो 45 कैसे हो गया? नहीं, वो मैं वैसे जोड़ रहा था। जो चलो बोला ना कि कोइंसाइड है, तो दोनों को हम 40 भी तो कर, 45। 1/r = 1/15 + 1/30 + 1/10। जोड़ो भाई इसको, 15, 30 और 10 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा? 30। 15 से 2 बार, 30 से 1 बार, और 10 से 3 बार। 3 × 2 = 5, 6, 6/30 मतलब 1/5, पलटी मार के 5 ओम, मतलब ये जो पूरा का पूरा डब्बा लगा हुआ है इतना बड़ा, इसका रेजिस्टेंस कितने ओम है? 5 ओम। तो इस पूरे डिब्बे इन दोनों को कंबाइन कर दो ना, जब बराबर है कोइंसाइड, तो 45 1/45 + 1/10 कर दो। भाई यार तुम कुछ भी कह रहे हो, ऐसे नहीं होता है। जो रूल है 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 वही रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है इस तरीके से आपने इसको ऐड कर दिया, तो आपका कितना आ गया? 5 ओम। तो यहाँ ए से लेके बी के बीच में आपका 5 ओम काम कर रहा है, ठीक है? तो चलिए मैं डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा सा हैंग हो गया, चलो कोई नहीं। अगले पे देखो, ये आ गया रेजिस्टेंस 5 ओम, ठीक है? ये 5 ओम रेजिस्टेंस आ गया। अब ए और बी पॉइंट के बीच में वोल्टेज निकालना अपन को, ए और बी के बीच में वोल्टेज निकालना है। अब ध्यान से देखो, 5 ओम है, अब यहाँ पे करंट कितनी चल रही है, कैलकुलेट द वैल्यू। अब कह रहा अगर करंट है, सो दैट द करंट इन द सर्किट इज 0.2 एम्पियर, वो तो ठीक है, 5 ओम है और करंट निकालनी है, ये रेजिस्टेंस आर है, करंट इन द सर्किट ठीक है इन 0.2 एम्पियर। नहीं नहीं, करंट तो गिवन है, करंट इन द सर्किट इज 0.2 एम्पियर, बता रहे हैं भाई। देखिए बच्चों, अब 0.2 एम्पियर की करंट यहाँ पे इस सर्किट में चल रही है, और ए और बी के बीच में, तो ये 0.2, डायग्राम थोड़ा गंदा हो गया, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 0.2 एम्पियर की करंट यूं जा रही है इस तरीके से, तो इसमें से भी जाएगी और घूम करके यहाँ वापस आएगी। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, एरो इसने खुद बना रखा क्वेश्चन ने, तो इसलिए इधर से जाएगी और इधर से आएगी। अब कह रहा है ए और बी के बीच में वोल्टेज बताओ, तो कौन है खाने वाला है? 15 के साथ पैरेलल जब अपन ने किया था, तो ए और बी के बीच में टोटल कितना आ गया था? 5 ओम आया था ना, 5 ओम, मतलब ए और बी के बीच में जो कसा हुआ है नेट रेजिस्टेंस, वो कितने ओम है? 5 ओम। और इधर से जो करंट आ रही है, घुस रही है, वो कितने एम्पियर है? 0.2। तो 0.2 जब 5 में से जाएगी, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? V = I × R, ठीक है ना? तो V = I × R कर दो, तो I कितनी है? 0.2, और ये कितना है? 5। तो आंसर कितना हो गया? 1 वोल्ट। क्या हो गया? 1 वोल्ट। सुनो अब ध्यान से एक चीज और, करंट कहाँ से एंट्री मार रही है, हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, बस काफ़ी है, हमने निकाल दिया 1 वोल्ट, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना आंसर आ गया। अब वो इन लोग निकाल रहे हैं VAB, मतलब A का B के रिस्पेक्ट में, अरे कोई जरूरत ही नहीं है क्यों निकालें, आपने पूछा ही नहीं है कि A का B के रिस्पेक्ट में कि B का A के रिस्पेक्ट में, हमने तो निकाल दिया वोल्टेज, सही है, तो ये अपना आ गया वोल्टेज, ठीक है ना? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज तक यही कंटिन्यू करेंगे, इतना ही कंटिन्यू करेंगे, और जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं 13 क्वेश्चन, ये करके लाओ, कल बाकी के क्वेश्चन कल मैं कराऊंगा, इसके 15 क्वेश्चन है टोटल, मतलब 2 क्वेश्चन बच गए, है ना? हाँ, तो 2 क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा अच्छे से, और ये पेपर अच्छे से करना, बड़े अच्छे से कराया मैंने, आप लोग अच्छे से करो इसको। चलो थैंक यू, बाय बाय बच्चों, गुड नाइट, ये भेजता हूँ मैं सोल्यूशन। हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों।